आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तंगलान मूवी की रियल स्टोरी के बारे में। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तंगलान मूवी के बारे में, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करें। जब पार रंजीत ने यश के केजीएफ की वजह से अपनी फिल्म पर काम करना रोक दिया था, फिर उन्होंने केजीएफ के दोनों पार्ट देखे तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी कहानी केजीएफ से पूरी तरीके से अलग है। 14 अगस्त 1987 की रात भारत आजादी से चंद पलों दूर था। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने फेमस टेस्ट विद डेस्टिनिटी वाले स्पीच को संबोधित कर रहे थे। पूरे देश में खुशी की लहर थी, नया भारत कैसा होगा उसके सपने बुने जा रहे थे। नई दिल्ली के कोसोदूर कर्नाटक एक इलाके में इस खबर से कोई असर नहीं पड़ने वाला था। कर्नाटक की कोलार गोल्ड फील्ड से काम करने वाले मजदूरों के लिए 15 अगस्त की सुबह कोई रोशनी नहीं होने वाली थी। पी एबल नाम से एक रिटायर्ड स्कूल टीचर बताते हैं कि देश को भले ही 1987 में आजादी मिल गई, मगर 1956 तक कोलार गोल्ड फील्ड यानी केजीएफ अंग्रेजों के अंतर्गत रही। 1956 में जाकर इस खदान का राष्ट्रीयकरण हुआ, मगर केजीएफ का इतिहास उससे भी बहुत साल पुराना है। यश और प्रशांत नील वाली केजीएफ ने आपने जो भी देखा उसका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं है। केजीएफ की असली कहानी में बहुत सारा सोना, लालच था, मरे हुए चूहे थे, हाथ से खोदा हुआ सोना था, ऐसा सोना जो जमीन से ऊपर आया तो उसका रंग लाल हो चुका था। ये उस केजीएफ की कहानी है जिसे 121 साल तक खोदा गया और बदले में 800 टन सोना निकला। वो सोना जिसके पीछे भारत के मजदूरों ने खून पसीना बहाया, लेकिन इस देश को कभी उस सोने की शक्ल देखना नसीब नहीं हुआ। साल 1980 में जॉन टेलर एंड कंपनी नाम एक ब्रिटिश माइनिंग कंपनी ने केजीएफ की व्यवस्थित माइनिंग शुरू की। उस कंपनी ने मैसूर के महाराज से कोलार की जमीन लीज पर ली और वहां माइनिंग करना शुरू कर दिया। हालांकि पढ़ने को मिलता है कि 2000 साल पहले से ही वो जमीन सोना उगल रही है और स्थानीय लोग उसे अपने हाथों से खोद कर निकाल रहे थे। साल 1871 में ब्रिटिश आर्मी के एक रिटायर्ड फौजी ने बैंगलोर कंटोनमेंट में अपना घर बना लिया। नाम था माइकल जे जेराल्ड लेवल। रिटायरमेंट के दिन आराम से बीत रहे थे। माइकल को पढ़ने का शौक था। एक दिन साल 1804 का ऐतिहासिक जनरल हाथ लगा, उसमें छपे एक आर्टिकल ने माइकल के हाथ में उनका सबसे बड़ा मकसद सौंप दिया। आगे माइकल दुनिया की सबसे गहरी सोने की खदान यानी केजीएफ के जनक बने। माइकल ने लेफ्टिनेंट जॉन वॉरन की एक रिपोर्ट पढ़ी। वहाँ कोलार में सोने की खदान होने की संभावना जताई गई। वॉरन ने सुना था कि चोल साम्राज्य के दौरान लोग अपने हाथों से सोना खोद कर निकालते थे। ऐसी अफवाह से उत्साहित होकर वॉरनर ने घोषणा कर दी, जो भी उस जमीन से सोना निकाल कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। उन्होंने उस मिट्टी को धोया और वॉरन के सामने सोना पाउडर के निशान थे। बताया जाता है कि साल 1804 से लेकर 1860 के बीच कोलार में सोना खोजने के लिए कई स्टडी की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं निकला। साल 1871 में माइकल के हाथ यही रिपोर्ट लगी थी। उन्होंने 2 साल तक इस इलाके में रिसर्च की। साल 1873 में माइकल ने सरकार से माइनिंग की लीज मांगी। सरकार का कहना था कि वो उन्हें कोयले की माइनिंग का लाइसेंस दे सकते हैं, क्योंकि कोलार में सोने का कोई निशान नहीं, इसलिए सोने की माइनिंग का लाइसेंस नहीं मिल सकता। जवाब में माइकल ने लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी। उनका कहना था कि उन्हें बस लाइसेंस चाहिए, वो अपने तरीके से सोने को खोज करेंगे, वो भी बिना किसी सरकारी खर्च के। अगर सोना मिला तो ब्रिटिश सरकार के काम आएगा, वरना ना मिलने पर सरकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। 2 फरवरी 1875 को माइकल केवल को 20 साल के लिए कोलार में माइनिंग करने का लाइसेंस मिला। साल 1880 में माइकल के हाथ से बागडोर जॉन टेलर के पास गई। माइनिंग के क्षेत्र में वो कंपनी आधुनिकता लेकर आई। उनके आगे के बाद कोलार गोल्ड फील्ड्स में सुनहरे दौर का उदय हुआ, हालांकि ऐसा वहां रहने वाले लोगों के लिए नहीं कहा जा सकता। माइनिंग शुरू होने से पहले आदिवासी समाज के गांव कोलार से सटे हुए थे। अंग्रेजों के आने से पहले वो लोग अपने पारिवारिक ढंग से जमीन से खोना खोदते, उसे बेचते और अपने परिवार का गुजारा किया करते थे। भारतीय मजदूरों के साथ भेदभाव किया जाता था। जानकी अपने पेपर में लिखती है कि दिन का काम खत्म होने के बाद हयार भारतीय मजदूर की चेकिंग की जाती थी, जबकि दूसरे कर्मचारियों के साथ ऐसा रवैया नहीं होता था। ब्रिटिश ने कोलार को लिटिल इंग्लैंड बना दिया। वहाँ का मौसम भी अंग्रेज अधिकारियों को जम गया था। साल 1902 में कोलार में इंडिया का पहला पावर प्लांट बनाया गया, जहाँ एक तरफ आज भी पूरे देश में लगातार बिजली नहीं पहुँची है। ऐसे में उस समय कोलार में लगातार बिजली आती थी, लेकिन ये सारे सुख साधन अंग्रेज अधिकारियों के लिए ही थे। भारतीय मजदूरों को खतरनाक माइनिंग में 55 डिग्री के तापमान पर काम करना पड़ता था। छप्पर के घर बनाकर परिवारों को रहना पड़ता था। खाने में चूहे मुंह मारते थे। कहा जाता है कि उस दौरान मजदूर एक साल में करीब 50,000 चूहों को मार डालते थे।
मजदूरों के लिए आगे का समय इससे भी विषम होने वाला था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य को आर्थिक मजबूती की जरूरत थी। सोने का दाम आसमान छू रहा था। ऐसे में सरकार ने केजीएफ के मजदूरों का भत्ता कम कर दिया, साथ ही ज्यादा सोने का उत्पादन करने का दबाव डाला। नतीजन अपनी जान जोखिम में डालकर मजदूर काम करने लगे। इस दौरान खान में कई मजदूरों की मौत हुई। दुख की बात यह है कि केजीएफ की कहानी या उससे जुड़ा साहित्य आपको आसानी से पढ़ने को नहीं मिलेगा। इसकी वजह है कि उस दौरान ब्रिटिश सरकार का सेंसरशिप को लेकर बड़ा रुख था। साल 1956 में ब्रिटिश केजीएफ छोड़कर चले गए। उसके बाद भारतीय सरकार ने कुछ साल तक वहां काम किया। सोने की गुणवत्ता गिरने लगी। दूसरी ओर ज्यादा आगे तक माइनिंग करना भी मुश्किल हो जा रहा था। ऐसे में साल 2001 में कोलार गोल्ड फील्ड को पूरी तरीके से केजीएफ की इसी कहानी से प्रेरणा लेकर पार रंजीत ने तंगलान नाम की फिल्म बनाई। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर भी आया है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि अंग्रेज अधिकार कोलार में सोना खोजने के लिए आया है। चियान विक्रम ने एक आदिवासी का रोल किया है। उसका मानना है कि सिर्फ वही सोना निकालने में अंग्रेज अफसर की मदद कर सकता है। आगे सोने तक पहुंचने का सफर शुरू होता है। तंगलान में दिखाया गया है कि उसका सामना आरती नाम की महिला से होता है। दिखाया जाता है कि उसके पास मायावी शक्तियां हैं। वो किसी भी तरह उन्हें सोने की खुदाई करने से रोकती है। मुमकिन है कि फिल्म में दिखाया जाएगा कि कैसे अंग्रेजों ने अपने लालच के लिए वहां के लोगों की दुर्दशा कर दी। हालांकि ट्रेलर में इसकी झलक भी दिखती है। तो ये थी तंगलान की असली कहानी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो हम आपको सभी के लिए ला सके।